मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में वृश्चिक राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा बीतेगा यह मैं बताऊंगा, और साथ में पहले मैं इस महीने की पहली तारीख को सूर्योदय के समय के ग्रहों की स्थिति को भी बताऊंगा, और वीडियो के अंत में उपाय में यह बताऊंगा कि इस महीने में आपको क्या करना है क्या न करें। इस वीडियो में मैं वृश्चिक राशि के पुरुष और महिलाओं के बारे में जून महीने का मासिक राशिफल पूरी संपूर्ण रूप से बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो देखने के बाद में पसंद आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ओम भोम भोमाय नमः अवश्य लिखें। पहले देखते हैं 1 जून को सुबह सूर्योदय के समय ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से रहेगी। 1 जून को सुबह वृषभ लग्न रहेगा और लग्न में सूर्य बुध की युति होगी। यहाँ बुध जो है वक्री अवस्था में रहेंगे, चंद्रमा जो है दूसरे भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे होंगे, छठे स्थान में तुला राशि में केतु का गोचर और 10वें भाव में कुंभ राशि में शनि खुद अपनी राशि में गोचर कर रहे होंगे, 11वें लाभ स्थान में मीन राशि में गुरु अपनी राशि में और साथ में मंगल की युति रहेगी, और 12वें खर्च स्थान में राहु के साथ में शुक्र की युति रहने वाली है। अब देखते हैं कि आपकी वृश्चिक राशि वालों के लिए इस ग्रहों की स्थिति के अनुसार जो जून का महीना है वह किस प्रकार से बीतेगा। आपकी वृश्चिक राशि है और आपकी राशि का स्वामी मंगल है। 1 जून को सवेरे सूर्योदय की कुंडली के अनुसार वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल और गुरु के साथ में दोनों एक साथ 11वें लाभ स्थान में रहेंगे, और अगर आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से या आपकी राशि की कुंडली के हिसाब से देखें तो आपकी राशि का स्वामी जो मंगल है आपके 5वें संतान और शिक्षा स्थान में गुरु के साथ में गोचर कर रहे हैं। पंचम स्थान में गुरु का अपनी राशि में गोचर और साथ में मंगल की युति होने से यह जून का महीना आपके लिए शानदार उपलब्धियों से भरा हुआ बीतेगा। व्यापार में, व्यवसाय में, नौकरी में लाभ और उन्नति होगी, तो पारिवारिक जीवन में भी अब आप सुख शांति महसूस करेंगे। हालांकि परिवार में किसी सदस्य को शारीरिक परेशानी उभरने के योग होने के कारण ऐसी कोई परेशानी इस महीने में आपके सामने आने के योग है। वैसे अगर इस जून महीने में आप शांति से अपने काम पर ध्यान दें और फालतू की इधर उधर की परेशानियों को खुद आमंत्रण न दें तो मानसिक दबाव से भी आप मुक्त रहेंगे। आपकी सोचने की जो शक्ति है बलवान रखें और न घर में न बाहर कहीं कोई गलत फहमी के कारण आप अपने रिश्ते खराब होने दें। आपसी प्रेम बना रहे ऐसी आपकी कोशिश इस महीने में आपके लिए खुशियां के द्वार खोलने वाली रहेगी। आप वैसे तो कभी तनाव अथवा दबाव में नहीं आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो नकारात्मक भी सोचने लगते हैं। इसलिए इस जून महीने में आप अपना जितना पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव रहेंगे उतना आपके लिए यह महीना सफलता और उपलब्धियों से भरा हुआ बीतेगा। अब हम आपके वृश्चिक राशि वालों के लिए कैरियर, व्यापार, बिजनेस, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, संपत्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में जून का महीना कैसा बीतेगा यह अलग अलग रूप से देख लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैरियर से। कैरियर की बात करें तो यह महीना आपके लिए अच्छा बीतेगा। स्वास्थ्य खास करके नौकरी में अगर आप हैं तो आपको तरक्की या फिर मनपसंद जगह पर आपका स्थानांतरण करवाने की आप कोशिश कर सकते हैं, और वेतन वृद्धि होने के भी योग इस महीने में बन रहे हैं। ऑफिस में बॉस और जो आपके बड़े अधिकारी हैं आपके काम से खुश रहेंगे। व्यापार में आपको अब पहले से अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि इस महीने में अगर आप मंगल से संबंधित वस्तुएं जैसे कि ईंट है, चूना है, सीमेंट है, बजरी है, मेडिकल औजार है, भूमि का खरीद है, बेचान का काम करते हैं, अगर बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं या बिल्डिंग मटेरियल बेचने का काम करते हैं, या फिर मेडिकल दुकान है, औषधियों का सम्मान है, औषधि है, सेना है, पुलिस आदि की नौकरी में सेवा में अगर जुड़े हैं तो आपको इस जून महीने में अच्छा लाभ होगा। वैसे मंगल के सैकड़ों और दूसरे काम होते हैं, अगर आप उनसे भी किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं तो भी आपको जून महीने में काफी अच्छा लाभ मिलने वाला है। आपके जो है व्यापार में विस्तार इस महीने में करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। बेरोजगार को नौकरी मिलना बहुत आसान रहेगा जून महीने में। आपके कार्यों में शुभता और शुद्धता का जितना अधिक मिश्रण रहेगा उतना आपको अधिक लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं आपके आर्थिक स्थिति की। तो इस जून महीने में पिछले 2 से 3 महीने के मुकाबले धन की स्थिति जो है आपकी अच्छी रहेगी। आपके लिए इस महीने में आय अधिक और खर्च कम होगा, इसलिए आपको धन जमा करने में आसानी रहेगी। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। इस महीने में आप दिखावे पर काफी खर्च करेंगे, जैसे शादी समारोह में या जन्मदिन मनाने पर या ऐसा कोई दूसरा अवसर होता है या कहीं दान आदि देने की नौबत आती है या आप देना चाहते हैं
तो आप अपनी शोहरत में वृद्धि करने के लिए इस प्रकार के खर्चे अधिक करेंगे, दिखावे में ज्यादा खर्चा होगा। इस महीने में आप घूमने फिरने भी जा सकते हैं। वैसे प्राय आपको पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादा घूमना अच्छा लगता है और रास भी आता है, या आप मनोरंजन के लिए अन्य किसी रिसोर्ट आदि में भी जा सकते हैं। पैसे की आवक आपके लिए नियमित साधनों से ही होगी, लेकिन अगर आप भूमि से संबंधित काम कर रहे हैं तो बहुत बड़े बड़े सौदे होने से आय में आपके थोड़ी बढ़ोतरी होगी। इस महीने में आपका जो संबंध है विदेश से अगर आय प्राप्त करने का है तो आप आशा से अधिक कई गुना लाभ आपको मिल जाए, ऐसा योग बन रहा है। बात करें परिवार की तो परिवार में कुछ छोटे बड़े मतभेद रहेंगे, लेकिन इतना तो आम परिवारों में चलता रहता है। बस आप किसी मुद्दे पर अपनी जिद पर न अड़े रहे तो अच्छा रहेगा। परिवार में खुशियों का मौसम लगातार बना रहेगा, मेहमानों से घर भरा रहेगा, विवाह शादी सगपण जन्मदिन आदि जैसे पर्व काफी मनाने का मौका आपको मिलेगा। आपकी उन्नति से परिवार में खुशियां बढ़ेगी, माता के साथ यात्रा का मौका मिलेगा। अगर पिता भी साथ में रहते हैं और यात्रा करते हैं तो आपको ऐसी सेवा के अवसर को चूकना नहीं चाहिए। आपको ऐसी यात्रा माता पिता के साथ करना चाहिए, यह सुफलदायक रहेगा। आपका परिवार के साथ में यात्रा का जो प्रोग्राम है वह सफल भी हो जाएगा। बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन और प्रेम की, तो जून का महीना आपके दूसरे और तीसरे महीने में, दूसरे और तीसरे सप्ताह में थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी पहला और आखिरी सप्ताह आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। आपस में प्रेम प्यार बढ़ेगा, आपसी विश्वास में बढ़ोतरी होगी, आपका जीवन साथी भी आपके साथ में बिताने वाले हर पल का खूब आनंद उठाएगा। आपकी बातें और प्यार दोनों आपके जीवन साथी के लिए इस महीने में खूब बहुत रोमांटिक और यादगार बनकर रहेगी। ऐसे आपस में मेल मिलाप करके रहना है आपको। अगर आप विवाहित है तो जून के पहले सप्ताह में आप थोड़ा, अगर आप अविवाहित है तो जून के पहले सप्ताह में आप थोड़ा प्रयास शुरू कर दें तो जो आपका रिश्ता है वह जल्दी बन जाएगा। अगर आप किसी से प्रेम प्यार या दोस्ती करते हैं तो इस बार जून महीने में यह सब रिश्ते जो हैं आपके और ज्यादा तेज उभरेंगे और परवान चढ़ेंगे। ठीक है, आप चाहे किसी भी समारोह में साथ जाएं या घूमने फिरने जाएं, सबका ध्यान हमेशा आप दोनों की तरफ ही रहने वाला है, आकर्षित होने वाला है। आप हमेशा सब लोगों के लिए इस महीने में पति पत्नी दोनों खास रहने वाले हैं। बात करते हैं आपकी संपत्ति की, तो जून का महीना आपके लिए लकी साबित हो सकता है। आपकी राशि का स्वामी मंगल और जो है शुरू में गुरु के साथ में होने से आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी आपके थोड़े से प्रयास से हो जाएगी। खास करके इस जून में आपको वाहन सुख मिलने वाला है। अगर आप पहली बार वाहन, अपना कोई निजी वाहन लेने की सोच रहे हैं तो जरूर लेने की कोशिश करें, वह आपको मिल जाएगा। वसीयत या पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको मिलेगा, और कानूनी अगर विवाद कोई पैतृक संपत्ति आदि पर या संपत्ति पर आपकी चल रहा है तो यह जो निर्णय है इस महीने में अगर आएगा तो आपके हक में आएगा। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, तो आपका स्वास्थ्य जो है यह महीना सिर्फ मानसिक तनाव या फिर गलत फहमियों से जो उपजने वाली होती है बातें, वह चिंता का कारण या परेशानी के कारण आपके लिए हो सकती है। बाकी अगर आप पूर्ण आत्मविश्वास से हर समय अपने आप को तरोताजा रखने की सोचेंगे तो कोई छोटी मोटी तकलीफें आपको परेशान नहीं कर पाएगी। वैसे गर्मी अपनी चरम पर रहेगी, इसलिए आपको अपने पहनावे में ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिससे शरीर में अड़ाइयाँ वगैरह फोड़ा फुंसी ना हो। सड़क पर आप पैदल चलते समय किनारे चलें और बुरे लोगों को सुधारने की कोशिश इस महीने में ना करें, वरना मामला जो है उल्टा हो सकता है। इसलिए जो गलत कर रहा है आप तो उनको करने दो, उनका दंड जो है उनका किस्मत या भाग्य विधाता अपने आप दे देगा। अब मैं आपको वृश्चिक राशि की महिलाओं के बारे में बताता हूँ कि जून का महीना कैसा बीतेगा। आप वृश्चिक राशि की महिला है और आपका समय इस बार काफी अच्छा चल रहा है। हालांकि पिछले 1-2 महीने से आप काफी परेशानी में गुजारा होगा, लेकिन अब आप पिछली असफलताओं और परेशानियों को भूल जाओ और आगे बढ़ने की तैयारी करो, क्योंकि जून का जो महीना है आपके लिए बहुत अहम रहेगा। और अगर यहाँ से आपने अपने आप को स्टार्ट कर लिया तो फिर आगे लगातार आपको लाभ मिलता रहेगा और आप लगातार आगे बढ़ती रहेगी। इस जून महीने में बस आपको अपने गुस्से पर, अहंकार पर, लोगों के द्वारा आपके विरुद्ध जो चुगलियां की जाती है उन पर आप थोड़ा नियंत्रण रखें।
और आप ऐसी बातों पर गुस्सा ना करें, आपा ना खोए कि आप अपने आप पर थोड़ा काबू रखें, तो पाएगी कि लोग आपसे जो जलते थे और आपको बार बार गुस्सा दिलाते थे, वो सब आपके सामने पस्त हो रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, परास्त हो रहे हैं, यह अपना आप हो जाएगा। आप धैर्य रखें, शांति रखें, गुस्सा ना करें, अहंकार ना करें और किसी के भड़कावे में, उकसावे में ना आए। आप अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाकर रखें। जून में आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, बस आपसी मतभेदों को आप अधिक ज्यादा तूल ना दें, उनको नजरअंदाज रखें। आप अगर व्यापार या बिजनेस से जुड़ी हैं तो यह महीना अच्छा बीतेगा। व्यापार में तेजी के साथ में आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होगी, लाभ मिलेगा, धन जमा होगा। नया काम करना चाहें तो इस महीने में आप कर सकती हैं, नौकरी आदि भी मिल जाएगी, अगर प्रयास तो थोड़ा करना पड़ेगा। आप विवाहित है तो पति के साथ में बहुत खुश और खुश नसीब अपने आप को समझेगी। दोनों कहीं साथ में घूमने फिरने जाएं तो आपको मस्त मजा आ जाएगा। नई नई जगह पर जाना और घूमना वैसे तो आपका शौक होता है, लेकिन इस महीने में अगर तीसरे चौथे सप्ताह में आप जाना चाहें तो जा सकती है पति के साथ में घूमने। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी, संपत्ति में आपको वाहन सुख भरपूर मिलेगा। अगर अभी तक आपके पास में आपका अपना कोई वाहन नहीं है और वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो आप खरीद सकती है। अगर आप अविवाहित है तो विवाह प्रस्ताव आपके घर पर बैठे बैठे आने के योग इस महीने में बन रहे हैं। जून महीने का जो दूसरा और चौथा सप्ताह थोड़ा आप अलर्ट रहें, कहीं कोई आपका विश्वास पात्र व्यक्ति आपके साथ में धोखा कर सकता है, ऐसा इस जून महीने में योग बन रहा है। बाकी पूरा जून महीना आपके लिए बहुत अच्छा बीतने वाला है। अब मैं आपको उपाय वृश्चिक राशि के जातक के लिए यानी आपके लिए उपाय बता देता हूं कि जून महीने में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप यह भाग जो है बहुत ध्यान से देखें। पहला है, मंगलवार को बिना नमक का व्रत करें और मंगल के मंत्र का आप नियमित जाप करें। मंगल का जो मंत्र है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ओम भोम भोमाय नमः, यह मंत्र है, आप इसका जाप करें, रोजाना दो माला करें। दूसरा, जून के पहले मंगलवार को नारंगी रंग का तिकोना झंडा या ध्वजा, उसके तीनों चारों तरफ के वो गोटा किनारी चमकीली लगा करके हनुमान मंदिर में चढ़ाए, वहां सिंदूर भी चढ़ाए, अगरबत्ती भी चढ़ाए, तेल भी चढ़ाए और इमरती का भोग पहले मंगलवार को लगाए और वहीं बैठकर आप हनुमान चालीसा पढ़े, यह आपके लिए अच्छा रहेगा, शुभ फल देने वाला रहेगा। तीसरा है, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, गुड़, तांबे का कोई बर्तन छोटा सा जैसे दीपक है या छोटी कटोरी है या कुछ भी सामान, तांबे का लोटा भी हो सकता है या तांबे का सिक्का आदि भी हो सकता है, मंगलवार को दान करें। लेकिन ये सब चीजें कभी भी मंगलवार को किसी से मुफ्त में लेने की नौबत नहीं आए, ऐसा मतलब मसूर की दाल, लाल कपड़ा, गुड़, तांबा या तांबे का सिक्का या जो मंगल की वस्तुएं होती है दान करने की, ऐसी वस्तुएं कोई आप मुफ्त में किसी से मंगलवार के दिन ना ले। अगर कहीं से आप मंगलवार को किसी से मंगल की चीजें लेते हैं तो मुफ्त में लेने के बजाय आप उनको एक दो रुपया दे दें, उसके बाद में लेना चाहे तो ले सकते हैं। चौथा है, अगर आपकी कुंडली में मंगल का कोई दोष है तो आप ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र की माला नियमित करें, इससे मंगल के दोष दूर होते हैं और कर्ज आदि से मुक्ति मिलती है। पांचवा उपाय है, मंगलवार के दिन आप नाखून और बाल न कटवाएं, भूमि को, खेत को, गमले की मिट्टी को या मैदान आदि को कहीं से भी जहां मिट्टी को खोदने की बात आती है तो आपको मंगलवार को कहीं किसी भी रूप से मिट्टी को नहीं खोदना है या मंगलवार को नहीं खोदना चाहिए। विशेषकर मैं आपको और जानकारी दे देता हूं कि मंगलवार का दिन हो तो आप कैंची, चाकू, कील, सुई आदि ऐसी धारदार और नुकीली वस्तुएं ना खरीदें और ना किसी से मांग कर ले। मंगलवार को बर्तन और जो श्रृंगार की वस्तुएं होती है वह भी किसी से लेनी नहीं चाहिए और खरीदनी नहीं चाहिए।
आप मेरे इस भाग को बड़ा ध्यान से देखना। अगर आपका मंगल का दोष है तो आप मैंने बताया ऐसा काम करें, और मैंने जो बताया है कि ये नहीं करना वैसा ना करें। यह था आज के वीडियो में वृश्चिक राशि का जून महीने का मासिक राशिफल, जिसमें मैंने संपूर्ण जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो देखने के बाद में अच्छा और उपयोगी लगा है तो आप इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में ओम भोम भोमाय नमः अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं आपको धनु राशि का जून महीने का मासिक राशिफल बताऊंगा। तब तक जय जिनेन्द्र।